15 मिनट जहां भी मौका मिले उच्चारण किया और एक टक देखा, क्या क्या आपको प्रेरणा मिलेगी उसका मैं वर्णन करने बैठूं तो सत्संग नहीं कर सकता। भगवान को अपना, अपने को भगवान का मानो, दिव्य जीवन होने लगेगा। दुखेषु अनुद्विग्न मनः, सुखेषु विगत स्प्रह। दुख में उद्विग्न न हो और सुख में स्प्रह न हो, वो बहुत ऊंची ऊंचाई को। ज्यादा धन पाने से आदमी ऊंचा नहीं हो गया, दुख में उद्विग्न नहीं होता तो ऊंचा है, सुख में आसक्त नहीं होता है तो ऊंचा है, किसी का सुख देकर लालायित नहीं होता तो ऊंचा है, किसी का दुख देखकर द्रवित होता है उसका दुख मिटाने को करता है तो उसका अंतरात्मा खुश होता है। तो 15 मिनट जहां भी मौका मिले उच्चारण किया और एक टक देखा। तो क्या होगा आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जो एक टक गुरु मूर्ति या ईश्वर मूर्ति को देखकर उच्चारण करोगे तो आपको उस मूर्ति से अपने गुरुजी, इष्ट देव, कृष्ण, राम, शिव आदि प्रकट होंगे, बातचीत करेंगे, सिर पे हाथ रखेंगे, फिर मूर्ति में समा जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। और मूर्ति से क्या क्या आपको प्रेरणा मिलेगी उसका मैं वर्णन करने बैठूं तो सत्संग नहीं कर पाता हूँ। अखंडानंद सरस्वती अपने आश्रम में पधारे थे, इंदिरा गांधी की गुरु उनके आगे मत्था टेकती थी, वो हमारे मित्र संत थे अखंडानंद जी। अखंडानंद जी के गुरु ने उनको बताया कि मैं जब ध्यान करता हूँ, अखंडानंद जी सेवा करते थे, गुरु की सेवा करते ना सेवा, तो ध्यान करता हूँ तो परसों मेरे गुरु जी मूर्ति से प्रकट हुए और श्री कृष्ण भी हुए आए, और दो दिन पहले काली माता मेरे गुरु मूर्ति से प्रकट हुई, तो ऐसे ऐसे। लेकिन ये उपलब्धियां भी बहुत छोटी है, इससे भी आगे आपको प्रकट हो न हो फिर भी आपके चित्त में समता बनी रहे, आपके चित्त में प्रसन्नता बनी रहे, आप हमेशा वर्तमान में आनंदित जीने की ऊंचाई पे पहुंच जाओगे। जो वर्तमान को सुखमय बनाना जान लेता है उसका भूत भी सुखमय हो जाता है, भविष्य भी सुखमय हो जाता है, और उसका प्रभाव भी बढ़ जाता है और मन भी मधुर हो जाता है, उसकी बुद्धि को विश्रांति मिलती है। और समता की माँ समत्व योग, भगवान बोलते हैं सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता, सुख आए चाहे दुख आए सुख से भी प्रभावित नहीं होता, दुख से भी प्रभावित नहीं होता, वो मेरी नजर में ऊंचाई होगी। योगी नाम अपि सर्वेशां मदगतेन अंतरात्मन, सभी योगियों में जो अंतर आत्म भाव में टिकता है वो मेरी नजर में योगी श्रेष्ठ है। तो आप माताएं बहनें भाई लोग, घर में तो सुख दुख आता है, निंदा स्तुति होती है, मानो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी माँ की निंदा करती हो तो उसको बताओ देख वो मेरी माँ है, तुम मेरी पत्नी हो, अब तुम्हारे मुंह से मेरी माँ की मैं निंदा सुनूंगा तो मैंने उसका दूध पिया है, उसका दूध पिया है तो जिसका दूध पिया है, जिसके शरीर से खून से मेरा शरीर बना है, मैं उसकी निंदा सुनूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तू तो बड़े घर की है, बड़ा मन रख, भले छोटे घर की हो, छोटे मन वाली हो, उत्साहित करो, मेरी माँ की निंदा मुझे न सुना, निंदा सुनने से मैं पापी बनूंगा, फिर मेरे शरीर से तुझे संतान आएगी, वो तुझे दुख देगी मुझे दुख देगी, तू मेरी सेवा न कर कोई बात नहीं, तू चाहे तो मैं तेरे को हाथ जोड़ लूँ लेकिन मेरी माँ की निंदा मत सुना, बड़ा पाप लगता है, मैं तो चाहता हूँ तेरा भी भला हो मेरा भी भला हो, माँ की थोड़ी सेवा कर लो। बड़े लोग का ना जरा माता जी सासू जी प्रणाम कर लिया करो, उनकी दुआ भी मिलेगी और भविष्य भी उज्ज्वल होगा। तो माँ की निंदा न सुनो, अपनी सासू की निंदा बहुए न करो, और बेटे अपनी माँ की निंदा न सुनो। देराणी की निंदा जेठाणी करती है तो जेठाणी का पति उसे समझाए कि देराणी तो छोटी है, छोटी बहन की कोई बात मेरे को क्यों बता दे, आपस में जरा हिल मिल के करो, तुम तो बड़ी हो, बड़ी हो तो बड़ा दिल रखो ना। अगर छोटी बड़ी की निंदा करती है तो उसका पति उसे समझाए, देराणी का पति,
वो तो जेठानी है, बड़ी जेठानी माँ के बराबर सासू के बराबर होती है, माँ के बराबर होती है। बड़ा दिल रखना है एक दूसरे की निंदा कर करके। अभी तो विज्ञानी भी बोलते हैं किसी की निंदा करने सुनने से हमारे शरीर में हल्का रस पैदा होता है और उससे बीमारियां पैदा होती है। निंदा करने और सुनने से चेहरा भी बद्दा हो जाता है। अभी देखो मैं निंदा करता हूं तो मेरा चेहरा कितना बद्दा हो जाता है। इतनी गर्मी, 73 साल की उम्र, कहीं कहीं कार्यक्रम है, लेकिन बाप रे, ये गोरखपुर वालों को दुर्भावा, तोबा तोबा। लग गए पीछे तो लग गए, सत्संग 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 आखिर लाकर रख ही दिया। अब रात को 10 बजे 11 बजे सुबह सत्संग, दोपहर को मुलाकात, फिर यहाँ, फिर कल का सत्संग। अब इस उम्र में क्या करें, इनको कौन समझाए, इन लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता। तो मेरा चेहरा बद्दा हो गया, मन खराब हो गया। अरे गोरखपुर वाले दिन इतनी बार आए फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ी, कई बार आए कई बार वापस गए फिर भी लगे रहे तो लखनऊ में आकर बैठ गए और कैसे भी करके तारीख लेकर आज सत्संग करवा रहे। लाखों आदमियों के साथ साथ पीढ़ियां तार रहे। कितने भाग्यशाली लोग हैं, कितने पुण्यात्मा लोग हैं। वाह वाह गोरखपुर वाले जुग जुग जिए, वाह भगवान की कैसी उन पर दया है। ना ना करते हुए भी समय नहीं है फिर भी समय निकलवा लिया। वाह वाह कितने अच्छे लोग हैं। तो मेरा चेहरा खिलता है, मन प्रसन्न होता है, आप भी प्रसन्न होते हो। क्या ये लोग के सिर खपा गए, तो अपना चेहरा बदा, आपका भी बदा। ऐसे सासू की निंदा करते तो बहू तेरा मन भी तो खराब होता है बेटे। जेठानी की निंदा करते तो तुम्हारा भी चेहरा उस समय आईने में देखो, अब मैं निंदा करूं ना, देखो ये कैसे हो गए, तो बद्दा चेहरा हो जाता है। मैं काय को देखूं आईना। हंसते के साथ हंसे दुनिया, रोते को कौन भुलाता है। दिव्य जीवन कैसे हो, दूसरे का दुख देखकर हृदय द्रवीभूत हो जाए और सुख आया तो बांटे तो दिव्य जीवन हो जाएगा। भगवान को अपना, अपने को भगवान का मानो, दिव्य जीवन हो जाएगा। 15-20 मिनट ओमकार का जप करो और भगवान को देखो और ध्यान में आनंदित हो जाओ, दिव्य जीवन होने लगेगा। तुच्छ जीवन किसको बोलते हैं, तुच्छ जीवन उस निगुरे लोगों का। जब बीमार पड़ता शरीर तो बोलते मैं बीमार हूं, है निगुरे कहीं के। मन में दुख आता है तो बोलते मैं दुखी हूं, अरे निगुरे कहीं के। चित्त में चिंता आई तो बोले मैं तो बड़ा चिंतित हूं, अरे निगुरे कहीं के। चिंता आई चित्त में तो उसको जानता है, दुख आया मन में तो उसको जानता है, बीमारी आई तन में तो उसको जानता है, उसका उपाय कर। लेकिन अपने में काय को घुसेड़ता है, निंदा को चिंता को, मैं तो परेशान हूं। आवाज न दो मैं परेशान हूं, मुझे परेशान न करो। अरे काय का परेशान, ये तो होता रहता है।